मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस हूँ राम सिय मानस मोरे। आज की स्तुति जगत जननी माँ जगदम्बा के लिए है, जो कि राग रामकली पर आधारित है। तुलसीदास जी इस स्तुति में स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि जितनी भी प्रेत बाधाएं होती हैं, वे बाधाएं जो अगोचर अदृश्य होती हैं किंतु मनुष्य को प्रभावित करती हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी चुड़ैल इत्यादि जो भी बाधाएं हैं, तंत्र मंत्र, इन सब से सारा संसार ग्रसित है। क्योंकि शक्तियां तो सभी काम करती हैं, ये भी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। तो प्रश्न है कि इन शक्तियों से मुक्ति कैसे मिले। ये शक्तियां जो मनुष्य के जीवन को दुखों और कष्टों का घर बना देती है, कैसे उनसे व्यक्ति निजात पाए। उसका सबसे सुंदर मार्ग तुलसीदास जी यहां बता रहे हैं स्तुति करते हुए। तो अब इस स्तुति में गहरे उतरना है, इतना गहरे उतरना है कि आपके आसपास यदि इस प्रकार की कोई प्रेत बाधा हो तो इस स्तुति को सुनते समय वह वहां से विदा हो जाए। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायिनी भर हरणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदनी, पर्व सर्व ऋष वदनी, ताप तिमिर तरुण तरणी किरण मालिका, वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शैल धनुष बाण, धरणी दलनी दानव दल रण करालिका, पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रह बैताल खग मृगाली जालिका, भय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक खामिनी हिम शैल बालिका, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहु हुए प्रसन्न पाही प्रणत पालिका। तुलसीदास जी जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे जगत की माता, हे देवी, तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इस समस्त ब्रह्मांड में देवता मनुष्य मुनि असुर इत्यादि सभी तुम्हारी सेवा करते हैं, स्तुति करते हैं, तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हो, यानी संसार के समस्त सुखों को, वैभव को, सुविधाओं को, और संसार के बाद जो मुक्ति होती है उस परम तत्व को, इन दोनों को ही देने वाली तुम हो जगत जननी माँ भवानी। और भक्त कितने भयभीत रहते हैं, किंतु उन सभी भक्तों का भय दूर करने के लिए तुम क्या हो, कालिका हो, कालिका का रूप हो, समस्त भय तुम्हारा स्मरण करने मात्र से भाग जाता है। और जितने भी कल्याण हैं, सुख हैं, सिद्धियां हैं, उन सब की तुम खान हो, उनका परम स्थान हो। और तुम्हारा यह जो सुंदर मुख है, यह पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जो कि सदा अमृत और शीतलता की वर्षा करता है। और क्या है कि तुम सभी प्रकार के तापों से, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, इन सभी ताप रूपी अंधकारों का नाश करने के लिए क्या हो, मध्याह्न काल के तरण सूर्य की किरण माला हो। तुम्हारे शरीर पर कवच है, तुम हाथों में ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी
और धनुष बाण लिए हुए हो, अर्थात जगत जननी माँ शस्त्रधारी हैं। इतने प्रकार के शस्त्र उनके पास हैं, दिव्यास्त्र हैं कि जिनसे वे समस्त दानवों का, राक्षसों का, असुरों का नाश करती हैं। और कैसी हो तुम जगत जननी माँ जगदम्बा? दानवों के दल का संहार करने वाली हो। दल के दल दानव झुंड बनाकर आते थे और उन सबको माँ भवानी काटकर फेंक देती थी और रण में विकराल रूप धारण कर लेती हो। ऐसा भयंकर रूप कि इनकी एक किलकारी से राक्षसों के हृदय फट जाया करते हैं। और जितनी भी ये पूतनाएं हैं, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, भूत और ग्रहों की दशा हैं और बैताल इत्यादि जितने भी हैं, ये सब क्या हैं? ये जैसे पक्षी और मृग हों, और तुम क्या हो? इन सभी को पकड़ने के लिए तुम जाल रूप हो। तुम अपने जाल में इन सब को फंसा लेती हो और ये सब वहीं बंध जाते हैं और बंध के नष्ट हो जाते हैं। हे जगत जननी माँ जगदम्बा, हे भवानी, तुम्हारा जाल ऐसा है कि जिसमें ये सारे के सारे भूत, प्रेत, पिशाच सब उसमें फंस कर मर जाते हैं। हे शिवे, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम्हारे अनेक रूप और नाम हैं, अनंत नाम हैं माँ जगदम्बा के, भवानी के। नामों का कोई अंत नहीं, इतने तुम्हारे नाम हैं। और तुम क्या हो? तुम समस्त संसार की स्वामिनी हो, हिमाचल की पुत्री हो। हे शरणागत की रक्षा करने वाली, हे माँ भवानी, मैं तुलसीदास क्या चाहता हूँ आपसे कि श्री राम के चरणों में बस मैं अचल नेम और प्रेम चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता। बस आप मुझे इतना वर दे दीजिए कि जा तुलसी, तेरा प्रेम और ये तेरा नेम सदा श्री राम के चरणों में बना रहेगा, बस इतना ही चाहिए। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो प्रसन्न होकर मुझे यह वर दे दो, और हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि तुलसीदास अनंत शत्रुओं से घिरे हुए हैं, मन के शत्रु और तन के शत्रु। बाहर लोग उनसे बहुत रुष्ट हैं कि क्यों वे राम का नाम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत रुष्ट हैं। और उस रुष्ट होने के कारण वे तुलसीदास जी का अहित करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। और इधर भीतर मन के विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे माँ भवानी, इन सभी से मेरी रक्षा करो और प्रसन्न होकर मुझे यह वर दो कि जा तुलसी, तेरा प्रेम और तेरा नेम सदा श्री राम के चरण कमलों में बना रहेगा।